नाइकी और गायकी, ये दो शब्द आपने अक्सर शास्त्रीय संगीत में सुने होंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जब हम पढ़ाई करते हैं तब भी ये शब्द अक्सर हमें सुनाई देने को मिलते हैं, और सीखते वक्त भी हमारे जो गुरु हैं, गुरुजन हैं, वो हमें इन दो शब्दों से परिचय कराते हैं। हमारा गुरु शिष्य परंपरा, गुरुमुखी विद्या, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आज मैं अपने अनुभव अनुसार इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि नाइकी और गायकी में फर्क क्या होता है, शास्त्रीय संगीत सीखा किस तरह से जाता है, और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है। मेल टीचर से मेल स्टूडेंट ही सीखेगा, फीमेल टीचर से फीमेल स्टूडेंट ही सीखेंगी, उसका क्या महत्व है या नहीं होता है या होता है, क्या है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जाना तन पे हरी का चोला, 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 तन पे हरी का चोला। सबसे पहले यहां से शुरू करें कि गुरुमुखी किसे कहते हैं, या गुरु शिष्य परंपरा में जो सीना बसीना विद्या कहते हैं कि आमने सामने बैठकर सीखना, वो क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानें कि गुरुमुखी यानी गुरु के मुख से निकली गई विद्या, वो गुरुमुखी है। यानी गुरु जी ने बोला सा, तो हमने उसे रिपीट किया सा। बनिस्बत की किसी वाद्य यंत्र का सहारा लेते हुए हमने गुरु के मुख का सहारा लिया, जो गुरु ने बोला कि ये संगीत है, वो संगीत है। संगीत एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसका थ्योरी जो है वो बाद में बनाया गया है। यानी शास्त्र बाद में बना है, पहले क्रियात्मक था, प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड थ्योरीज बनी कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे गाना चाहिए तो ऐसे गाना चाहिए। जैसे आज भी संगीत के में शास्त्र में कई ऐसी बाधाएं हैं, लिमिटेशंस हैं एक्चुअली में, जो लिखी नहीं जा सकती। कोमल ऋषभ लिखा जा सकता है अंडरलाइन, लेकिन अति कोमल वो लिखा नहीं जा सकता। श्रुतियों को लिखा नहीं जा सकता है अभी भी। अभी भी ये समस्या है मेरे ख्याल से कि अगर कहीं बताना होगा कि इस राग का कोमल ऋषभ थोड़ा सा हल्का कम लगता है या थोड़ा सा शुद्ध की तरफ चढ़ा हुआ लगता है, तो वो बताया नहीं जा सकता लिख कर। वो आज भी गुरुमुखी है, आज भी गुरु के मुख से या सामने वाले के गले से ध्वनि को सुनकर ही हम पहचान सकते हैं। एक्चुअली में शास्त्रीय संगीत हमेशा ऐसे ही रहा है कि आप गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जी की आवाज़ में उस सुर को सुनते हैं और रिपीट करते हैं। इट हैज़ बीन ऑलवेज इमिटेशन, इमिटेशन रहा यानी कॉपी करना, उतारना। आज हम उस परंपरा में कितनी सही चीज़ है कितना नहीं है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसे कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड में हम लोग हारमोनियम का इस्तेमाल करके सिखाते हैं, जो कई लोग मना करते हैं कि हारमोनियम का इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत में नहीं होता है, हारमोनियम के साथ रियाज करने वाले बेसुरे माने जाते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये दो शब्द मैं आपको क्लियर करूं, नाइकी और गायकी। नायक, एक्टर या लीड रोल में प्रोटैगनिस्ट को कहते हैं नायक, जो लीड होता है, लीडर होता है, जो आगे होता है सबसे, वो नायक है। नाइकी कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो नाइकी का सेंस कॉपी करने से रिलेटेड ही है। कॉपी करना यानी हूबहू नकल करना, जैसे कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में होता है कि जैसे हमारे गुरु करते हैं, जैसे गुरु का अंग भाव होता है, जैसा गुरु का स्वर का लगाव होता है, जो गुरु की शास्त्र की समझ है, संगीत की समझ है, उसे हम नाइकी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जैसा हमारे गुरु करेंगे वैसा हम करेंगे। और उसके बाद डेवलप होती है गायकी। गायकी का शाब्दिक अर्थ तो यही है, जो गाता है वो गायक होता है, और जो गाने की क्रिया है उसे गायकी कह देते हैं। लेकिन गायकी वहाँ तक सीमित नहीं है कि गाना गाना उसे गायकी कहते हैं। तभी कई लोग बोलते हैं ना, यार मुझे गायकी सीखनी है, गायकी नहीं आई अभी तक। अरे भाई, आप गाने की क्रिया कर रहे हो तो आप गायक हो, तो आप गायकी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि गायकी नहीं आई। तो उस गायकी का अर्थ क्या है? उस गायकी का अर्थ है सिंगिंग स्टाइल, यानी आपका ओन स्टाइल, आपका स्वर लगाने का तरीका, आपका राग को विस्तार करने का तरीका, वो ढंग, आपका कोई वेरिएशन लगाने का ढंग क्या है, उसे गायकी कहते हैं, यानी आपका अपना दिमाग। तो ये बेसिक डिफरेंस है नाइकी और गायकी में, कि नाइकी में आप एक नायक हैं, आप सिर्फ एक इमिटेटर हैं, जैसा गुरु ने गाया हूबहू उतार दिया। गुरु जी ने एक तान ली, आपने हूबहू उस तान को उतार दिया।
उसका अगला स्टेप होता है गायकी, कि वहां अब आपने उस तान में अपना मत रखा, यानी अपना ओपिनियन कि ये तान ऐसे ना होकर ऐसे हो तो, इसका वेरिएशन ऐसे ना होकर ऐसे हो तो, इस राग में ये स्वर, जैसे गुरुजी ने बता दिया कि कोमल ऋषभ ऐसे लगेगा, इस स्वर संगति में लगेगा, इस गंधार के साथ, इस सा के साथ, ऐसा स्पर्श, ऐसी मीण, ऐसा गमक लग के ये पर्टिकुलर स्वर आपका लग रहा है, ये तो गुरुजी ने बता दिया या शास्त्रों ने बता दिया। पर हम शास्त्रों में अभी जा नहीं रहे हैं, अभी हम गुरुमुखी विद्या की बात कर रहे हैं, सीना बसीना यानी आमने सामने बैठ कर सीखने की बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसा गुरुजी ने बोला, जैसा उनके मुख से निकला, वो हमने उतारा, ये हो गई नाइकी। अब इस नाइकी के अंतर्गत अंग भाव भी आते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके गुरुजी कैसा गाते हैं, गाते समय ऐसे ऐसे, या अंग उनके कैसे चलते हैं, हाथ ऐसे चलते हैं, वैसे चलते हैं, शारीरिक मुद्राएं बनती हैं, तो आप हूबहू उसे उतारते हैं। यही हमारे शास्त्रीय संगीत का एक बहुत, शास्त्रीय संगीत की लर्निंग या टीचिंग जो पैटर्न है, उसकी एक खास बात भी है जो परंपरा बनाए रखती है, जो घराना बनाए रखती है, और यही उसकी एक खराब बात भी है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में हम कहते हैं कि उपज का काम है, उपज यानी क्रिएटिविटी, आप पैदा करते हैं संगीत को, आपकी संगीत की सोच को पैदा करते हैं, राग का चलन आपको मालूम है शास्त्र अनुसार ये हो गया, अब आगे जो आप गाएंगे वो आपका अपना होगा, यानी उसका विस्तार आपका अपना होगा, उसमें परिवर्तन तान लेने का ढंग वो आपका अपना होगा। ये हम शास्त्रीय संगीत में कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत सीखोगे तो आप यूनिकनेस पाओगे, तो आप पहचान पाओगे कि आप कौन हो। बनिस्बत की फिल्मी गाने रटते रहोगे अगर किसी फलां सिंगर के, तो उसके जैसे बन जाओगे। किशोर कुमार साहब के गाने अगर आप जितने ज़्यादा गाते रहो, सुनते रहो, तो आपकी आवाज़ हूबहू किशोर कुमार साहब जैसी होने लगेगी, आपकी गायकी, आपका अंदाज़ उनके जैसा होने लगेगा, आप उन्हें मिमिक करने लगेंगे, मिमिक्री करने लगेंगे। जैसा कई एक्टर्स पर इल्ज़ाम लगता है ना कि ये तो फलां एक्टर के जैसा एक्टिंग करता है, ये तो फलां एक्टर जैसी एक्टिंग करता है, या फलां सिंगर किसी फलां सिंगर की तरह गाता है, कई लोग इसे अचीवमेंट मानते हैं, जबकि अचीवमेंट है नहीं। अगर आपके अंदर उनका अंश नज़र आ रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उनका अंश अगर हावी हो गया तो आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, फिर आप कौन है वो कोई पहचान नहीं पाएगा। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है, बट ऑफकोर्स आपके गुरु की आप में छवि होती है, मुझ में भी है, सब में भी होती है, लेकिन उस छवि को कितना बनाए रखना है और उसके अलावा आप कितने हैं, ये आपका लुकआउट होना चाहिए। तो ये नाइकी और गायकी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत अहम अंग है, क्योंकि ये सिखाने और सीखने का अंग है। हम सीखते समय अपना दिमाग ऑफ करके अगर सीखेंगे तो हम एक नायक कहलाएंगे, हम नाइकी कर रहे होंगे, और उसी जगह हम अपना दिमाग अगर ऑन रखेंगे कि गुरुजी ने तो ऐसा बताया, अब इसको मैं अपने ढंग में भी गा के देखूँ, तो आपका अपना सिंगिंग स्टाइल, आपकी अपनी गायकी पैदा होती है। अब स्वाभाविक सी चीज़ है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो स्वर लगाने का ढंग है, सबका अपना अपना अलग अलग, सबके अपने अपने घराने हैं, कोई ऐसे स्वर लगाता है, कोई वैसे लगाता है, श्रुति स्वर स्थापना वही है शास्त्रों के अनुसार, कि उन्हीं श्रुतियों में उसकी इस श्रुति पे सा की इस श्रुति पे सा बोला जाएगा, रे की इस पर रे बोला जाएगा, ये निश्चित है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, और अपना कर्नाटक संगीत में उनकी अलग हो सकती है, और अलग अलग मतानुसार भी होती है, भरत मुनि अनुसार अलग है, शारंगदेव अनुसार अलग है, आपका भातखंडे जी के अनुसार अलग है, तो कौन कौन किसको मान रहा है वो तो ठीक है, लेकिन स्वर का लगाव कि सा हम ऐसे बोलेंगे, जिह्वा का, जबान का ऐसे इस्तेमाल करेंगे, गले का दम इतना लगाएंगे, इतना ओपन होगा, इतना कम होगा, आवाज़ कितनी खुली होगी, कितनी बदली हुई होगी, ऊपर जाएंगे तो आवाज़ ऐसी कर लेंगे, नीचे जाएंगे तो आवाज़ ऐसी कर लेंगे, बीच में रहेंगे तो आवाज़ का लगाव बदल जाएगा, ये घरानेदार अलग अलग गुरुओं के अनुसार होता है। इसीलिए आप बहुत देख सकते हैं ऐसे शास्त्रीय गायकों को जो उनके गुरुओं जैसा साउंड करते हैं। अब स्वाभाविक सी चीज़ है कि हर पुत्र में उसके पिता का अंश होता है, जैसा कि मुझे निदा फाजली साहब की लाइन, ये पंक्ति उनकी एक नज़्म है जो उन्होंने अपनी पिता की मौत पर लिखी थी, मुझे बड़ी पसंद है, कि मेरी आवाज़ में छुप कर तुम्हारा जहन रहता है, यानी मेरी आवाज़ में तुम्हारा दिमाग बोलता है। वो कहते ना कि बोल वो रहे हैं और शब्द हमारे हैं, वो चीज़ होती है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, ये आ जाती है जब आप किसी के साथ रहते हो तो उसके हूबहू जैसे आपके अंदर लक्षण आ जाते हैं आपकी बातचीत में, आपकी गायकी में, लेकिन उसे कितना बनाए रखना है वो आपका लुकआउट है। इस चीज़ पर फख्र नहीं करना चाहिए कभी भी कि मैं तो अपने गुरु जैसा गाने लगा हूँ, नहीं, ये चीज़ खतरे की जैसी है कि अगर आप अपने गुरु जैसा गाने लगे हैं तो आप कहाँ हैं उसमें। अपने गुरु जैसा गाइए, बट ऑफकोर्स और किसकी तरह गाओगे, उनको सुन सुन के गाया तो उन्हीं की तरह गाओगे ना। यहीं आती है संगीत प्रभावल्ड की जो प्रणाली है कि हम कोई गुरु नहीं रखते, हम अभ्यास को गुरु रखते हैं, हम गाइड बनते हैं आपके, आपके रहबर बनते हैं, कि आपको सिर्फ तरीका बता दिया,
चलिए आप खुद स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सब अपने अपने अंग से, अपने अपने रंग से निखर के सामने आते हैं। कोई भी एक दूसरे का मैच नहीं है कि हाँ ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा है, वो इस वजह से नहीं है भाई। स्वाभाविक है, मैं किसी भी प्रणाली का अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रणाली, किसी भी एजुकेशन सिस्टम का जो संगीत में चलता आ रहा है उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बस सबकी मीनिंग बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसके नफ़ा नुकसान ये हैं, इसके नफ़ा नुकसान ये हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। आई एम नो वन टू क्लेम कि ये सही है और ये गलत है, बिकॉज बट ऑफकोर्स मेरी ना कोई उतनी उम्र है ना कोई उतना तजर्बा है कि मैं बता दूँ कि ये सही है ये गलत है। लेकिन हाँ, मेरा एक ओपिनियन है, इट्स माई ओन थिंकिंग के ये चीज़ ऐसी है, जो जो जहाँ तक मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो संगीत प्रभा वर्ल्ड में हम लोग कहते हैं कि हारमोनियम से हम सिखाते हैं या हारमोनियम भी सिखाते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हारमोनियम से सुर सिखाते हैं, तो उस चीज़ को डिनाई करते हैं। अच्छा, जो लोग डिनाई करते हैं वो क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊँ, क्योंकि कई लोगों को तो ये पता भी नहीं कि डिनाई क्यों करते हैं। वो तो बस उनको गुरु की बात को रिपीट कर रहे हैं तोते की तरह कि नहीं, हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं होता। हारमोनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं होता, उसका कारण है कि हारमोनियम एक अधूरा वाद्य है। पूर्ण गायकी हारमोनियम में नहीं निकलती है, मींड उसमें नहीं होती, गमक उसमें नहीं होती, श्रुतियाँ उसमें नहीं होती। कुछ लोगों ने कोशिश करी है कि श्रुति हारमोनियम बनाने की, उसको फिर वो अकॉर्डियन जैसा साउंड करने लगता है कि इस स्वर को चढ़ाना है तो वो थोड़ा सा तार नॉब जो है आपका स्टॉपर जो है थोड़ा सा खींच लीजिए बाहर, तो वो आपकी श्रुति चढ़ जाएगी, तो वो भी मुमकिन है। सितार को ट्यून किया जा सकता है श्रुतियों में, सारंगी को ट्यून किया जा सकता है, वायलिन को ट्यून किया जा सकता है, हारमोनियम को नहीं किया जा सकता। लेकिन तब भी ताज्जुब की बात देखिए कि ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत की गायन की परफॉर्मेंसेज में जो संगत है वो हारमोनियम करता है। अगर हारमोनियम अलाउड नहीं है तो हारमोनियम वहाँ भी अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर तो राग की श्रुति आपके उस हारमोनियम में मिलेगी नहीं ना। अगर आप मान लीजिए पूरिया धनाश्री गा रहे हैं या मारवा गा रहे हैं या भैरव गा रहे हैं या तोड़ी गा रहे हैं, तो आपको पता है इन सब का गंधार अलग अलग है, तो सितार तो उस हिसाब से मिला लेंगे कि भाई संगत हो रही है तोड़ी के साथ, तो गंधार ऐसा लगेगा, तो वैसा लग गया। हारमोनियम तो ट्यून नहीं कर सकते ना एट ए टाइम उस समय बैठ के, और उसको परमानेंट ट्यून भी नहीं करते, आप तो स्टैंडर्ड पर ट्यून करते हैं। तो इसीलिए शास्त्रीय संगीत में गायन सर्वोपरि है, ये मेरे पिताजी ने, पिताजी की थ्योरी है, उनकी थिंकिंग है कि न तो तानपुरा ना ही हारमोनियम, गायन सर्वोपरि, जिसको वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि साधनों से मुक्ति जब मिल जाती है तब साधना सिद्ध हो जाती है आपकी। आप जो साधना कर रहे हैं, जिस चीज़ के मेडिटेशन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो किसी साधन की मदद से करेंगे ना, ये साधन ही तो हैं सारे, हारमोनियम, तबला, मेट्रोनोम, तानपुरा या गुरु, ये सारे साधन हैं, माध्यम हैं, इनके जरिए आप एक साधना कर रहे हैं, और उसे सिद्धि तक, परफेक्शन तक अगर आपको ले जाना है तो इन सबसे मुक्ति चाहिए रहेगी, यानी इन सबसे ऊपर, जिसको कहते हैं पिच परफेक्ट या टेम्पो परफेक्ट। पिच परफेक्ट आप तब कहलाते हैं, तब नहीं जब हारमोनियम के साथ सुर मिल गया या तानपुरे के साथ सुर मिल गया, नहीं, आप पिच परफेक्ट तब कहलाते हैं जब सुर यहाँ बैठ गया, कि मैंने कहीं पे भी आघात करके एक ध्वनि निकाली और आपको पूछा ये कौन सा सुर था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप बता दें, ये सी शार्प है, डी शार्प है, या इन दोनों के बीच का कुछ है, ये पहली काली और दूसरी काली के बीच में आ रहा है, इतनी श्रुतियाँ चढ़ी हैं, इसे पिच परफेक्टनेस कहते हैं। और यही टेम्पो परफेक्टनेस है कि आप उसका बीपीएम बता देंगे। हाँ, ये भी एक हद तक की पिच परफेक्टनेस है कि वो सुर मिल जाना चाहिए और लय मिल जानी चाहिए, आप उसका मिलान आप कर पाएँ, ठीक है, आप जब उसमें मिल जाएंगे तो उसके साथ उसका मिलान भी कर पाएंगे। अब हम हारमोनियम क्यों सिखाते हैं, क्योंकि गुरु की अनुपस्थिति में एक साधन ही है जो आपको बता पाएगा कि आप सही जा रहे हो या गलत। और फिर हम धीरे धीरे कराते कराते उस हारमोनियम का भी त्याग करवाते हैं कि अब हारमोनियम छोड़ो, अब तानपुरे पर समझो इस चीज़ को, क्योंकि तानपुरे में दो ही सुर मिल रहे हैं, सा और पा। हारमोनियम में एटलीस्ट आपको सात सुरों का सपोर्ट है, उसकी मदद से आप समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु परमानेंट उपस्थित नहीं है ना आपके पास। इसीलिए हम कुछ समय के लिए हारमोनियम का सहारा दिलवाते हैं कि एक बार इससे समझ लो, स्वर का जब ज्ञान यहाँ हो जाएगा, जब उनका ऊंचाई नीचाई मालूम चल जाएगी, फिर तानपुरे पर समझना, फिर तानपुरे को भी हटाना, अब खुद से समझो कि पहली काली कहाँ है, दूसरी काली कहाँ है। तो ये सबके अपने अपने टीचिंग पैटर्न हैं, नज़रिए हैं, लेकिन जो मुझे नाइकी लगती है वो किसी हद तक, एक पॉइंट तक ठीक है कि आपके अंदर आपके गुरु नज़र आ रहे हैं, आपकी गायकी में और ताने लगाने का प्रकार, आवाज़ लगाने का प्रकार, लेकिन अगर आपकी आवाज़ आंख बंद करके सुनी जाए और आप नहीं आपके गुरु की आवाज़ सुनाई दे, वहाँ गड़बड़ है।
अब एक जो सवाल आता है कि मेल टीचर्स को मेल स्टूडेंट्स को मेल टीचर से ही सीखना चाहिए और फीमेल टीचर्स फीमेल स्टूडेंट्स को ही सिखाएं, वो सवाल इसी वजह से आता है, वो सिचुएशन इसी वजह से बनती है। क्यों? क्योंकि आप जो साह लगा रहे हैं सामने वाला उस साह को सुनकर आपकी ध्वनि हूबहू मैच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मुझे बड़ी समस्या आती है जब किसी स्टूडेंट को सिखाना हो, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने उसे बोला कि हारमोनियम के साथ सुर मैच करो तो वो नहीं कर पा रहा है, मैंने बोला मेट्रोनोम के साथ लय मैच करो वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि चलिए मेरे साथ ताली लगाइए, वो ताली मैच कर जाते हैं। अक्सर हो जाता है ऐसा, वो मेरी आवाज़ के साथ सुर मिला लेते हैं। तो बस यही प्रॉब्लम है, इस वजह से ही ये नाइकी का सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ है सिखाने में, कि आप हूबहू आवाज़ का जो लगाव है वो कॉपी करते हैं। तो जैसा अगर उन्होंने सा तो आप भी सा ऐसा ही लगाएंगे, अगर उन्होंने सा तो आप भी सा ऐसा ही लगाएंगे, अगर उन्होंने सा तो आप भी सा ऐसा ही लगाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ दम कितना चाहिए, खम कितना चाहिए, दम खम कितना चाहिए, पंच कितना चाहिए, गायकी अनुसार अलग होना चाहिए, राग अनुसार अलग होना चाहिए, अलग जॉनर के हिसाब से अलग होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। स्वर लगाने का ढंग वो भी गुरु बताते हैं, लेकिन हम उमूमन वो स्वर लगाने का ढंग बस उनकी कॉपी कर लेते हैं, उनकी चाल ढाल, जैसे वो बैठे हुए हैं, जैसे उनके एक्शन है, जैसे वो चेहरा बनाते हैं, हम वो तक कॉपी कर लेते हैं। कोशिश करें कि वो ना करें, इस पर बैलेंस हमारा रहे, इस पर होश हमारा रहे। तो गायकी और नायकी का मिश्रण होना चाहिए, जहाँ मिश्रण होता है वहाँ आपकी अपना आपकी अपनी पहचान होती है, वहाँ आपका अपना अस्तित्व होता है। वरना आप अगर अपने हूबहू गुरु जैसे ही दिख रहे हैं और उन्हीं जैसे गा रहे हैं तो फिर क्या फ़र्क महसूस हुआ, फिर क्या मतलब रहा, है ना? आपका आपकी तो कोई पहचान नहीं, फिर मैं ओरिजिनल को सुनूँ आपको क्यों सुनूँगा, है कि नहीं? लेकिन ये इसीलिए भी किया जाता है, उसको भी मैं बताऊँगा, जो पॉइंट मैंने बीच में बोला था कि परंपरा बरकरार रखने के लिए, कि वो व्यक्ति आज है कल नहीं है, लेकिन उसकी गायकी जिंदा है, उसकी आवाज़ जिंदा है, क्योंकि वो तो चले गए, अब उनके शिष्यों को सुनो तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो कभी चले गए। तो अपनी लेगेसी छोड़ जाने के लिए अक्सर गुरु भी ऐसा कर जाते हैं और शिष्य भी ऐसा कर जाते हैं, भूल से भी, जानबूझकर भी, कि वो गुरु जैसे बन जाते हैं, ताकि उन गुरुओं के जाने के बाद ऐसा न हो कि वो गायब हो गया इंसान। क्योंकि जो मैंने पैटर्न बताया ना कि यूनिकनेस वाला, उसमें वो लेगेसी है ही नहीं, उसमें वो व्यक्ति गया तो गया, अब उसके रिकॉर्ड सुन लो अगर उसको सुनना है तो, क्योंकि लाइव हूबहू तो अब वो है नहीं। तो लाइव हूबहू उसका अस्तित्व बना रहे, इसीलिए कई गुरु ऐसा करते हैं कि अपने शिष्यों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और कई शिष्य गुरु जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो उनसे सीखें, बट ऑफ कोर्स लेकिन उनके जैसा ना बने, उनकी अच्छी बातें भी लें। अब नायकी में यही दिक्कत हो जाती है कि गुरु में कुछ ऐब भी होते हैं और वो ऐब भी आप अपना लेते हैं, ऐब यानी कुछ खामियाँ, कुछ खराबियाँ, क्योंकि आप तो इमिटेट कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से, और ये कब हो जाता है, जब ज़्यादा आप उस व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं, वक्त गुजारने लगते हैं, आप गायकी उसके साथ बैठकर कर रहे हैं ज़्यादा वक्त तक, तो ये हो जाता है कि आप वैसा ही गाने लग जाते हैं, है ना? और ये चीज़ मुझे भी मेरे गुरुओं ने कहा है, ऐसा नहीं है, कहते हैं कि हाँ तुम्हारी गायकी में अब धीरे धीरे मेरी झलक आने लगी है, तो या सोच में झलक आने लगी है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है, और उसी वक्त मैं अपने आप को रोकता भी हूँ कि नहीं, अच्छा यहाँ यहाँ आ रही है ना, तो इसमें मैं कहाँ हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, और ये जहाँ हैं उसको मैं मिश्रित रखूँ, क्योंकि वो दिखना भी ज़रूरी है, बट ऑफ कोर्स तभी आपकी पहचान होती है ना, कि अच्छा आपको देख के मालूम चलता है कि अच्छा आप उनके लड़के हो या अच्छा उनके शिष्य हो, क्योंकि आपके हाव भाव में, आपकी गायकी में वो नज़र आएगा। लेकिन आप वो ही हो अगर आँख बंद करके मैं सुनूँ कि हाँ ये तो वही नज़र आ रहे हैं, बस थोड़ी सी बचकानी आवाज़ है क्योंकि आवाज़ अलग है, वरना वही हैं, तो थोड़ा सा ये अच्छा भी है बुरा भी है। देखिए सबका अपना अपना है, जिसको जो पसंद, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको एकदम स्टेट नहीं किया क्लियरली कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड आई शुड वी शुडंट यू नो अप्रोच दिस, ऐसा नहीं बोला मैंने कि इसको अप्रोच नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर है आपको क्या पसंद है। तो ये नायकी और गायकी के ऊपर कुछ टॉपिक था कि कैसे हम गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरु को अपना लेते हैं, उतार लेते हैं अपने अंदर, तो क्या वो सही है क्या वो गलत है, इट इज़ अप टू यू। शुक्रिया।